is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहलगांव की एक नई सुबह। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने और हमें यहां पर दिख गया है सागर रत्न। अब सागर रत्न दिखा है तो यहां का ब्रेकफास्ट तो सच में बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और सागर रत्न साउथ इंडियन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, तो हमने सोचा सागर रत्न गए हैं तो क्यों ना आज ब्रेकफास्ट में कुछ साउथ इंडियन ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था मेदू वड़ा सांभर और उसी के साथ डोसा। ओ माय गॉड, और चाय को हम कैसे पीछे छोड़ सकते थे। तो काफ़ी मज़ा आया आज के ब्रेकफास्ट में, और कश्मीर में बैठे बैठे साउथ इंडियन का मज़ा है, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों का। और इसी के साथ हम बता दें कि सागर रत्न का साउथ इंडियन सच में बहुत ही टेस्टी, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं टैक्सी स्टैंड जो है इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट सारे कवर करने थे, और पॉइंट कवर करने के लिए आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, तो आपको टैक्सी स्टैंड से एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी और उसी टैक्सी से आपको वो सारे पॉइंट दिखाने वाले हैं। टैक्सी स्टैंड में जो भी टैक्सी का किराया होता है वो आपको वहाँ पर मेंशन होगा, कोई भी कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता, ये चीज़ सबसे अच्छी होती है। और उसी के साथ हम बता दें इन्होंने हर एक जगह के लिए सिर्फ एक घंटा बोला था, अगर आपका एक घंटे से थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा होता है तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा हमें ख़राब लगी कि मतलब अगर हम एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से घूमेंगे, जल्दबाजी नहीं कर सकते, बट इन्होंने बोला कि आपको एक घंटे में ही एक पॉइंट कवर करना है। हम जा कहाँ रहे हैं अभी? अरवेली। और यहाँ पर इन्होंने हमें तीन पॉइंट घुमाने के लिए बोले थे। जो पहला पॉइंट था वो था आरू वैली, और जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारा चंदनवाड़ी, और जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो है बेताब वैली। और तीनों पॉइंट सच में बहुत ही खूबसूरत हैं, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आप जब जाइएगा तो तीनों पॉइंट कवर करिएगा, और सबसे पहले ही हमें लेकर चलते हैं आरू वैली। और आरू वैली में जो सबसे खूबसूरत एहसास है वो बस इन पहाड़ों को देखते रहना, और यहाँ के जो पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं अब हम है पहलगांव में, और पहलगांव में भी बहुत सारी घूमने की जगह आपको मिलेंगी, और इस समय हम पहलगांव के हैं आरू वैली पर। तो चलिए हम चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए आरू वैली, और आरू वैली पहुंचने के साथ ही हम आपको बता दें कि आपकी जो टैक्सी होती है वो आपको पार्किंग पर ही छोड़ देगी, और वहां से आपको आरू वैली तक पैदल ही जाना पड़ेगा वॉक करते हुए। और उसी के साथ बता दें कि आप अपने साथ में वाटर बॉटल और चिप्स के पैकेट वगैरह कुछ खाने का ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपको चलना ज़्यादा पड़ेगा। और चलते ही चलते इंजॉय करते करते बातें करते खाते पीते आपका सफ़र कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आ गया है एक पिट्ठू वाला, जो हमसे कह रहे थे कि आप घोड़ा कर लीजिए, आपको हम काफ़ी ऊपर ले जाएंगे, काफ़ी टॉप व्यू दिखाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आरू वैली नीचे से ही बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है, बट आपके पास अगर टाइम हो तो आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और उसी के साथ हम बता दें कि घोड़े वाले जो होते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी बताने वाले हैं, तो आप बार्गेनिंग करके बहुत ही अच्छे से घूम लीजिएगा। बट आरू वैली सच में बहुत ही खूबसूरत है, हमने नीचे से ही काफ़ी कुछ एंजॉय किया था।
और ये आप देख सकते हैं यही चारों पॉइंट होते हैं जो ये आपको ले जाकर ऊपर घुमाएंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप ये जितनी भी ग्रीनरी देख रहे हो विंटर टाइम में, यहाँ पर चारों तरफ अगर आपको कुछ दिखने वाला है तो वो सिर्फ स्नो ही दिखने वाली है और ये जगह पूरी तरह से स्नो से कवर हो जाती है। तो सर्दियों में यहाँ पर होती है स्कीइंग और आपको इस टाइम यहाँ पर मिलने वाली है घोड़े की सवारी और उसी के साथ आप यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ सकते हो और काफी ज्यादा आपको यहाँ पर गेम्स भी देखने को मिलेंगे। Searching for higher ground, can't see in front of me. My enemies, I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. और यहाँ पर आपको कैंपिंग, ट्रैकिंग और इसी के साथ घुड़सवारी और मछलियाँ पकड़ने का भी मौका मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर एंजॉय करिएगा। आरू वैली में जो सबसे खूबसूरत एहसास है वो बस इन बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और कश्मीर में आए हैं तो कश्मीरी लुक तो देना बनता था। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कश्मीरी आउटफिट जिसके साथ आप बहुत ही प्यारी प्यारी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है, बहुत ही प्यारी आउटफिट है। तो आप इनको पहनकर बहुत ही प्यारी फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और एक यादें होती हैं। कभी भी आप अपने एल्बम में देखोगे तो हाँ याद करोगे कि हम कश्मीर गए थे। और उसी के साथ गाइस इस जन्नत और सपने जैसी अनछुई आरू वैली में समय हो चुका है हमारे जाने का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय। मजेदार बात ये कि कश्मीर में भी आपको पानी पूरी की कमी नहीं मिलने वाली है। आपको यहाँ पर पानी पूरी मिलेगी। किस सीजन में आते हैं यहाँ पर? हम एक महीने पहले आ जाते हैं। तो मैंगो का क्या बनाते हैं? मैंगो चाट। और यहाँ पर मैंगो चाट भी मिलेगी, मतलब आम वैसे ही। कैसे क्या प्राइस है?